देवियों और सज्जनों नमस्कार आपका स्वागत है आज शाम इस कार्यक्रम में जिसमें मैं वो काम करूंगा जो छह साल तक नहीं किया गया जो पुनर्निर्माण होगा एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रेनिंग वीडियोस की जो वी ने पहले कभी नहीं प्रस्तुत किया ये आठ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है मैंने छह साल पहले यह वीडियो बनाया था ठीक है इन छह सालों में बहुत सारा बदलाव आया है हमारी कंपनी में हमारे संगठन में और दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग में आज जिस तरह की कार्यप्रणाली है इसलिए हमने इस वीडियो को ठीक है बहुत ही खूबसूरती से बनाया है ओके आठ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स का पुनर्निर्माण पिछले आठ सालों से इस व्यापार को बढ़ाया है क्वेश्चनेट के साथ और खास तौर से भी ने ओके मैंने महसूस किया कि बहुत से लोगों को बेसिक फाउंडेशन की जानकारी काफी नहीं है वो सोचते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं ओके वो बहुत सी किताबें पढ़ते हैं लोगों से मशवरा नहीं लेते मतलब वो कोई भी किताब पढ़ लेते हैं और एकदम से सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को जान गए हैं पिछले आठ सालों से मैंने महसूस किया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए एक नेटवर्कर को कुछ समझने की जरूरत नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियादी फाउंडेशन के ठीक है मैं आपसे कह रहा हूं अपनी टीम से जो आज ट्रेनिंग के लिए आई है समझे भविष्य वापस बुनियाद की ओर जाएगा आठ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं आइसलैंड से लेकर ईरान तक साउथ अफ्रीका से लेकर मलेशिया तक ठीक है इसे आप अपने डीवीडी प्लेयर में भर दीजिए और देखिए कि एक नया आदमी फौरन समझ सकता है उसे जो करना है वो क्या करना चाहता है शुरू करने से पहले आठ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स का नियम है जिसे बुनियादी तौर पर कोई भी सरलता से सीख और सिखा सकता है उसके लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है मुझसे ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है और मैं बहुत होशियार भी नहीं हूं ठीक है इसकी बड़ी आसानी से नकल की जा सकती है जिसे आज रात या कल सुबह टीवी पर देख सकते हैं कल कॉफी शॉप में बैठकर और उसे अपने नए शिष्य के साथ बांट सकते हैं एक पेपर पर आसानी के साथ तो हमारा व्यापार अंत में नकल की एक धारणा है कोई भी चीज जिसकी नकल नहीं की जा सकती है ठीक है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस व्यवसाय में तो कभी कभी आप जाल में फंस जाते हैं कि ट्रेनिंग जितनी आकर्षक होगी आप उतने ही उत्तेजित होते हैं ना वो इन नई चीजों को देखिए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना लेकिन जब ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं तो आपको अपने आप से सवाल करना है क्या मैं घर जाऊं इसे कल करूं और अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेनिंग तकनीकी तौर से असरदार नहीं है क्योंकि आगे चलकर उसकी नकल नहीं की जा सकती ठीक है मिस्टर विजय की तरह जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया पदमन नेटवर्किंग पदमन के लिए नहीं है नेटवर्किंग हजारों पदमन बनाने के लिए है ताकि पदमन रिटायर हो सके आप मेरी बात समझ रहे हैं ना तो अगर आप अपने जैसे हजारों तैयार नहीं करेंगे डाउनलाइन में तो आप कभी रिटायर्ड नहीं होंगे और नेटवर्किंग आपका हमेशा के लिए पूरे वक्त का, का काम हो जाएगा ठीक है मगर आप अपने जैसे हजारों कैसे तैयार करेंगे जिसमें वो चीज जिसकी आसानी से नकल की जा सकती है भविष्य में तो पिछले आठ सालों से मुझे जबरदस्त ठीक है बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है आठ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ठीक है बहुत से लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है ओके उसके कारगर होने पर मैं बहुत आभारी हूं मगर हमने भी महसूस किया कि हमें एक और करना पड़ेगा समझे उसके लिए तैयार रहिए और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे आसान नकल करने की धारणा नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए जिसका उपयोग आप कर सकते हैं डेली के नेटवर्किंग कार्यक्रमों में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन बहुत ही विवादित रहा है ठीक है क्योंकि उसका असर लोगों के बहुत ही भावुक क्षेत्रों पर पड़ता है यह लोगों की जिंदगी है आप सब जानते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन सपना कहलाता है सपना कहलाता है कारण कहलाता है उत्तेजक कारण कहलाता है ठीक है आपकी कल्पना तो सपने के लिए ये सारे शब्द सपना शब्द के लिए इकट्ठा किए गए हैं ये उत्तेजक कारणों के साथ क्यों आए कल्पना आ, कारण क्योंकि आमतौर पर समाज बेचैन हो जाता है जब हम सपनों की बात करते हैं तब जब मैंने अपना पहला वीडियो किया तब सपनों की बात करते हुए बेचैन हुआ था जैसे मैं अक्सर करता हूं मैंने सोचा ये दुनिया भर में जाएगा मुझे सावधान रहना चाहिए सपना नहीं कहना चाहिए मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए और मैं आपसे कहता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन अगर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ न हुआ हो और आपने उसे वैसे ही लोगों के दिमाग में डाला मैं लगभग गारंटी दे सकता हूँ कि वो इस काम में फेल हो जाएंगे आप चाहे हर दूसरे ब्लॉक में विशेषज्ञ हों आप चाहे नेटवर्किंग के बाकी हर क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो आप स्टेज पर बहुत अच्छा प्रस्तुत करता समझे आप अपनी कंपनी के बहुत अच्छे सेल्समैन वो सब प्रभावशाली नहीं होगा जब तक आप साफ तौर से अपना न बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन को सोचने के लिए कहने के लिए अब आप समझ गए ना ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन क्या है ये सपना कहलाता है जिसे आज दुनिया में बहुत से लोग आज से भूल चुके हैं ठीक है इसके बारे में ज्यादातर लोग काम करने वाले नौ से पांच काम पर जाओ वापस आओ काम पर जाओ वापस आओ काम पर जाओ वापस आओ उनके पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है आप सबूत के तौर पर किसी से भी पूछ सकते हैं क्षमा कीजिएगा आपका सपना क्या है वो सही जवाब नहीं दे पाएगा वो आपको जाना माना घिसा पिटा हुआ जवाब देगा ठीक जैसे बड़ी कार बड़ा घर सुखी जीवन वो सपना जिसके बिना आपकी सारी मेहनत बेमतलब है समझ गए आप भले ही आप मेहनती नेटवर्कर हो अगर आप सपने नहीं देखते इस व्यापार में सफल नहीं होंगे अगर आप सपने देखते हैं ठीक है और बहुत होशियार मार्केटिंग व्यक्ति नहीं भी हैं, तो आप इस व्यापार में सफल हो सकते हैं आपके पढ़ने के लिए उम्मीद है एक दिन मैं एक किताब लिखूंगा और उस किताब की टाइटिल होगी सपना बेवकूफी भरा ये मेरी टाइटिल होगी और देखिए सपना बेवकूफी भरा डॉट 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 इस व्यापार में सफल हो सकता है आपको सिर्फ यही बुनियाद चाहिए इस व्यापार में आने के लिए जो धारणा है इस सपने की ठीक है तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा आप अगर अपनी लाइनों को देखें पनपते हुए हर बच्चा बड़ा होता है एक सपने के साथ सपने के बिना एक भी बच्चा नहीं है आप मानते हैं ना आपने अपने बचपन में सोचा होगा कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा बड़ा होकर मैं वो बनूंगा बड़ा होकर मैं ये कार चलाऊंगा बड़ा होकर मैं वो घर खरीदूंगा आपको टीवी पर दिखने वाली हर चीज चाहिए ठीक है और वो इसलिए कि आपका दिमाग अनुभवहीन और भोला भाला था तब तक वास्तविकता उपजी नहीं थी मेरी बात समझ रहे हैं ठीक है तब तक आप सोचते थे मैं कुछ भी कर सकता हूं मुझे भरोसा है मैं उड़ सकता हूं मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है मगर 40 साल काम करने के बाद उड़ने के लिए आप हवाई जहाज की टिकट भी नहीं खरीद सकते अपने दम पर उड़ना तो भूल जाइए बहुत से लोगों का बड़े होने पर क्या होता है उनका विकास रुक जाता है जब वो वास्तविकता के क्षेत्र में फंसते हैं तब नौकरी के ठीक है वास्तविकता के क्षेत्र में महीने भर का खर्च चलाने के लिए वो भूल जाते हैं सारे सपने जो उन्होंने पहले देखे थे वो मेरे लिए बहुत दुखदाई चीज है जब मैं उसे लोगों में देखता हूं सबसे दुखदाई वो चीज है जब मैं लोगों के बड़े होने पर उनमें देखता हूं जिन्होंने सपने देखने की शक्ति और क्षमता खो दी है मैं कहता हूं कि इस व्यापार को बढ़ाने में, में मेरा सबसे बड़ा झुकाव सपने देखने की ओर रहा है और वो कभी नहीं रुका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन क्यों कहलाता है क्योंकि नंबर वन को पार किए बिना नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बेकार है मैं चाहता था कि सिर्फ इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन पर तीन घंटे का सत्र करूं वो शायद अगला वीडियो होगा मेरी बात समझ रहे हैं ना तो सपना वो क्या है चीरने वाला मजबूत कारण वो क्या है वो ऐसी चीज है जो आपको चाहिए जरूर चाहिए जिसको पाने के लिए आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं वो चीज है जो आपके दिमाग में घुसी रहती है 24 घंटे जिसके बारे में हर पल हर समय सोचते रहते हैं आप समझ गए ना ठीक है मैं ये नहीं कहता कि वो फरारी कार हो मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ा भवन हो जैसे मैलिवो वो बहुत ही मामूली चीज हो सकती है एक मजेदार छुट्टी मनाने की जगह हो सकती है यूरोप में वो एक आसान चीज हो सकती है अपना खुद का घर खरीदना हो सकता है जो अभी तक आपके पास नहीं है वो अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना हो सकता है हमारी जो समस्या है वो हमारे सपने के अभाव की नहीं है आपके सपने हैं मगर आपको खुद लगभग उन्हें हासिल करने पर विश्वास नहीं है आप खुद जानते हैं अपने दिमाग के किसी कोने में लगभग हमेशा ये ओके मेरे पास फिरारी कार नहीं है ठीक है मैं भी जानता हूं कि फिरारी कार की कीमत 500 हंड्रेड यूएस डॉलर है अभी मेरे पास बैंक में इतना ही पैसा है मुझे फिरारी कार के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा हम्म कहीं कुछ गड़बड़ है मैं समझता हूं यही समस्या है आपने विश्वास करना बंद कर दिया है और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कार्रवाई करने को कहा है कीजिए क्योंकि आप अपने सपनों को जानना चाहते हैं वैसे सपनों के कई विभाजन होते हैं ठीक है अस्थायी व्यापारी उद्देश्य के सपने जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं पहला चेक दूसरा चेक तीसरा चेक चौथा चेक ठीक है आपके अपनी जिंदगी के सपने जिनमें आप कौन सी कार चलाना चाहते हैं वगैरह वगैरह और फिर वो सपने जिनमें आप क्या बनना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कभी बात नहीं की मसलन इस वक्त मेरा सपना है कि पांच साल के बाद पतमन कौन होगा ठीक है क्या वो ग्लोबल ट्रेनर होगा क्या वो और जीवन बदलेगा क्या वो मिस्टर विजय की कल्पना को आगे बढ़ाएगा आप मुझे समझ रहे हैं ना तो आप देखेंगे कि सपने तीन भागों में बटे हुए हैं नंबर एक आपके आस-थाई सपने जिन्हें आप व्यापार में पाना चाहते हैं और ये महत्वपूर्ण है आप किसी भी चीज की दिशा जाने बिना शुरू नहीं कर सकते तो आप जानते हैं जैसा हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चनेट और वी फेरारी की तरह है ये हमारा बिजनेस आप समझ रहे हैं ना अब हम आपको एक फेरारी देते हैं खुश हुए कि नहीं गुड मगर आप ये जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं आपको आइडिया नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं बहुत करके आप फेरारी के रेडियो पर संगीत सुनते बैठेंगे अगर आपको जाने की दिशा नहीं मालूम तो आपको फेरारी क्यों चाहिए फेरारी कार को ड्राइव करने की जरूरत है ठीक है बिना नियत स्थान के ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं है तो इस व्यापार में आपके सपने एकदम साफ होने चाहिए आपके पास क्वेश्चनेट है वी है ठीक है आप इससे क्या पाना चाहते हैं 250 यूएस डॉलर्स 33250 पहले हफ्ते में मुझे नहीं मालूम शायद मुमकिन हो ठीक है 250 पहले महीने में बहुत मुमकिन है 250 पहले दिन ऐसा पहले किया जा चुका है मतलब मुमकिन है आप समझ रहे हैं ना ठीक है मैं नहीं जानता किसी आप कहां लिखेंगे अपने शीशे पर लिखेंगे अपनी सास के माथे पर लिखेंगे ताकि आप हमेशा देख सकें ठीक है लिखिए अपनी कार के विंड स्क्रीन पर मत लिखिए नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा मगर हर जगह लिखिए अपने सपने को ठीक है अपने लक्ष्य को व्यापार में जिसका सीधा संबंध है कॉम्पनसिएशन प्लान से आप समझ रहे हैं ना यह पहली चीज है अगर आप लिखते नहीं है तो कभी उस चीज के बारे में बात ना कीजिए यह इंसानी फितरत है जिसकी आप बात करते हैं उसे आप भूल जाते हैं जिसे लिखते हैं बहुत मुमकिन है उसे आप कभी नहीं भूलते अगर आपके पास एक सूची नहीं है व्यापार में अपने सपनों और लक्ष्य को साकार करने की अगर उसे लिखा नहीं है एक पवित्र कागज के टुकड़े की तरह उसकी देखरेख नहीं की है तो जाहिर है आप अपने सपने के बारे में गंभीर नहीं है सोचिए इसके बारे में बिल्कुल तर्कपूर्ण है ठीक है आप अगर इस व्यापार से जुड़ गए हैं और आप बैठकर उसे लिखने की जहमत नहीं उठाते आपकी आपलाइन वो आपकी मदद नहीं करते तो आप इस व्यापार के लिए गंभीर कैसे हो सकते हैं मुझे अभी भी याद है बहुत साल पहले मैं जुड़ गया था एक अलग व्यापार से और एक बहुत होशियार नवती ने मुझे उस व्यापार से जोड़ा था और उसने कहा मैं तुम्हें व्यापार का एक बहुत बड़ा अवसर दिखाना चाहती हूं मैं एक स्टूडेंट था मैंने कहा ठीक है दिखाइए मुझे दिलचस्पी है मगर उससे पहले पदमन तुम्हारा सपना क्या है मैंने कहा मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए ठीक है पहले मुझे उस व्यापार का अवसर दिखाइए पसंद आया तो मैं उसे करूंगा अगर नहीं आया तो नहीं करूंगा उसने कहा सॉरी इससे पहले मैं तुम्हें व्यवरा दिखाऊं मैं फिर से पूछ रही हूं कि पतमन तुम्हारा सपना क्या है इसे सुनते ही मैं फिर से चिढ़ गया ठीक है जो व्यापार तुम मुझे दिखाना चाहती हो उससे इस पृथ्वी ग्रह पर मेरे सपने से क्या संबंध है ठीक है बहुत से लोगों के लिए विशेषकर एशियंस के लिए और दुनिया के बहुत से हिस्सों में सपने उनकी निजी चीज है Okay, तो मैंने कहा अब और वो मुझे दुखी करती रही दुखी करती रही दुखी करती रही दुखी करती मेरे सपनों के बारे में अंत में मैंने उससे कहा ओके okay, मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे एक आइलैंड चाहिए मुझे अभी भी एक आइलैंड चाहिए समझिए आप मुझे सब कुछ चाहिए उसने कहा तुम इस बारे में गंभीर हो मैंने कहा जब मैं दस साल का था तब से यह सपना देख रहा हूं जब मैं देखता हूं मशहूर और रईस लोगों का रहन सहन रॉबिन लिच जो रईस लोगों के रहन सहन की डॉक्यूमेंट्री दिखाता है आप जानते हैं ना मुझे याद है मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहता था कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो बाथरूम की फर्श गर्म होनी चाहिए मुझे अभी भी याद है जब मैं रॉबिन लिच का वीडियो देख रहा था जब वो एक करोड़पति के घर में चल रहा था तो उसने कहा था कि बाथरूम का फर्श गर्म है आप लोगों की कोई जगह गर्म नहीं है आपके पास एयर ड्रायर तक नहीं है कुछ लोगों के बाथरूम फ्लोर गर्म किए जाते हैं आप समझ रहे हैं ना ठीक है और मैं उस समय बहुत उत्तेजक था और उस युवती नवयुति ने पूछा तो पदमन आपने ये कहीं लिखा है मैंने कहा आ, नहीं और उसने कहा ओके मुझे नहीं लगता कि आप इस बारे में गंभीर हैं। मैंने कहा नहीं मैं गंभीर हूं इसके बारे में रोज सोचता हूं मगर आप इसे कहीं लिखने की जहमत नहीं करते आपके पास कोई छोटी सी किताब है ये आपकी जिंदगी की बहुत ही कीमती चीजें हैं सपने लक्ष्य की तरह हैं और आपने इन्हें कहीं नहीं लिखा है और दूसरे दिन जाकर मैंने पूरा लिख लिया एक एक सपना समझे वो हर चीज जो मैं हासिल करना चाहता था और हर बार जब मैंने उन्हें लिखा मेरे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई समझे आप और मेरी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है और अब जब मैं वो कागज का टुकड़ा पढ़ता हूं तो मैं अपनी चाहत के बहुत से सपनों को साकार पाता हूं जब उन्हें देखता तो हूं तो मुस्कराता हूं वो माई गॉड मैं वो चाहता था मैं सचमुच वो चाहता था क्योंकि आपके सपने आपके साथ पनपते हैं जैसे जैसे आपके सपने साकार होते हैं ठीक है आपके सपने बदलते जाते हैं मैंने कई कारें कई घर खरीद लिए हैं मेरे पास बहुत सी घड़ियां हैं जिस सीमा तक शख्स जा सकता है कार घर घड़िया मुझे पेंस पसंद नहीं है हम ज्यादा गहने इस्तेमाल नहीं कर सकते समझे ना अब भौतिक चीजें खरीदने की गुंजाइश नहीं है मुझे अब भी यात्रा करना पसंद है इसलिए साल में दस महीने दुनिया भर में यात्रा करता हूं अगले पांच सालों में मैं क्या बनूंगा अब ये मेरे सपनों का अगला कदम है आप मेरी बात समझ रहे हैं ना तो आपके बारे में जो अभी यहां या घर पर बैठे हैं अपने आप अपने सपनों के बारे में पूछिए आप हमेशा क्या हासिल करना चाहते थे वो आप अभी सोच सकते हैं अंधेरे कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है आप अभी बैठकर सोच सकते हैं कि जब आप 16, 17, 18 साल के थे सोचिए आप सचमुच क्या बनना चाहते थे क्या आपको याद है कि आप जो चाहते थे और वो आपको नहीं मिला और वो चीज हो सकती है जिसे आप अब खरीदने के काबिल हैं और उसे खरीदना भूल गए हैं सच है या नहीं मैं आपको राय दूंगा यह वीडियो देखने के बाद या कल सुबह उठने के बाद बचपन की चाहत की सारी चीजें खरीद लीजिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन आपको यह समझाता है कि वहां कोई चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं वो कोई चीज जो आपको जिंदा रख रही है वो हमेशा कहते हैं सीधा कहने के लिए अफसोस है बिना किसी सपने का व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है आप में और रोबोट में एक ही अंतर है सपना देखने का सामर्थ्य समझ रहे हैं आप आप में और रोबोट में जो अंतर है आपसे जल्दी सोच सकता है मुकाबला कर सकता है तो आपका दिमाग बहुत महान नहीं है ठीक है एक व्यक्ति और मशीन में जो अंतर है वो है योग्यता और सपने देखने की शक्ति तो आप सब और जो इसे घर में बैठकर देख रहे हैं वो ये व्यापार कर रहे हैं पांच साल से छह साल से और आप सब कुछ खो बैठे हैं ठीक है सपने सजोने आप जानते हैं ना आप वो खो बैठे हैं आप इतने व्यस्त हैं योजना दिखाने में ट्रेनिंग में व्यापार प्रस्तुति में व्यापार की योजना दिखाने में वी सर्कल व्यापार की प्रस्तुति में आप समझ रहे हैं ना ठीक है ना? और अब आप, आप खो बैठे हैं आप भूल गए हैं जो चाहते थे मैं दो भाइयों के साथ बड़ा हुआ कुना और साथी ठीक है और मैंने साथी के साथ घनिष्ठ व्यापार बढ़ाया और हम बैठकर अपने सपनों की बात करते थे आठ साल पहले की बात बहुत पुरानी नहीं है पांच लोग कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं ए तुम्हारा सपना क्या है मेरा सपना पूरी जगह को लेने का है आठ साल पहले आप बहुत बहादुर नहीं समझे जाते क्योंकि बहुत से लोग आपकी पिटाई कर सकते थे <laughs> मगर आज मैं हमेशा अपने सपनों की बात करता हूं मैं उनके बारे में उत्तेजित हो जाता हूं क्योंकि अगर आपके पास नहीं है एक साल के अंदर आप समझ गए ना और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर वन कहलाता है इसे उत्तेजक कारण का सपना कहा जा सकता है मुझे उत्तेजित कारण पसंद है जैसा मुझे मास्टर विजय ने सिखाया हम इसे उत्तेजक कारण उत्तेजक सपना कह सकते हैं ठीक है आप कुछ चीज हर हाल में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अतिरिक्त कोशिश करनी पड़ती है ठीक है लेकिन हमारे व्यापार में कोई बाहरी घटक नहीं है जिसको हासिल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े हमारे व्यापार में आपका कोई मालिक नहीं होता आपकी आपलाइन आपकी मदद करती है ठीक वो योजना दिखाने के लिए आपको हुक्म नहीं दे सकती आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकती यह परंपरागत काम नहीं है ठीक है आपको कुछ भी करने के लिए हुक्म नहीं दे सकती यह परंपरागत काम नहीं है इसे हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं समझ रहे मैं जानता हूं यह विपरीत शब्द है मगर मैं समझाता हूं वहां परंपरागत व्यापार में जब आप दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको सौ दो सौ हजार यूएस खर्च करने पड़ते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में ओके दुनिया में कहीं कहीं एक मिलियन यूएस तक जब आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जाहिर है आपके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको रेस्टोरेंट खोलने की क्या जरूरत है आप समझ रहे हैं ना तो आप एक बैंक से कर्ज लेंगे जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो हर महीने आपको तो जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं और एक रेस्टोरेंट खोलते हैं ठीक है आपने बैंक से दो करोड़ यूएस कर्ज लिया और आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं आप अपना रेस्टोरेंट कितने बजे खोलेंगे आप शायद उसे चौबीस घंटे खुला रखेंगे मगर कुछ देशों में सुबह छह बजे खोलते हैं है ना आप सारा दिन काम करते हैं क्या हाँ आपको बैंक को पैसा देना है चाहे कुछ भी हो जाए एकदम आधी रात के बारह बजे आप रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं आप दरवाजा नीचे गिरा रहे हैं और अचानक पचास लोग आपके रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं तो आप क्या करेंगे वापस खोल देंगे ठीक है और वो शख्स कहेगा मैंने सोचा आप बंद कर रहे थे नहीं मैं तो दरवाजा टेस्ट कर रहा था प्लीज आइए बैठिए हम आपके लिए बनाएंगे आपको खिलाएंगे क्यों आप किस चीज से प्रेरित होते हैं ज्यादा मुमकिन है कि आप देने वाले कर्ज से प्रेरित हैं अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको दिवालिया बना देंगे ठीक है और आपकी सास दूसरी कहानी सुनाकर आपको दुखी करेगी क्या यहां के लोगों की सास नहीं है ठीक है आप समझ रहे हैं ना तो मैं इसे नकारात्मक प्रेरणा कहूंगा हमारे व्यापार में क्वेश्चनेट आपने एक चीज खरीदने के लिए फाइव सिक्स सेवन एट हंड्रेड यूएस डॉलर्स आपको बैंक से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है आप समझे आप मुझे दे दीजिए और उसे भूल जाइए तो वो क्या चीज है जो आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेगी कोई नकारात्मक प्रेरणा नहीं है बैंक का कर्ज नहीं है कोई बॉस नहीं है आप जानते हैं नौ से पांच तक नौकरी की बंदिश नहीं है एक ही चीज है जो आपसे इस व्यापार को बढ़वाएगी और वो है आपके सपने और बिना उनके हैरान ना होइए अगर आपकी यात्रा बहुत कठिन हो जाए ठीक है तो और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा आपके सपने बदलेंगे ठीक है आपके सपने भौतिकता से आपके निजी बनेंगे आपके सपने छोटे से बहुत बड़े हो जाएंगे या आप शुरू करेंगे अविश्वसनीय बड़े सपनों से सपने किसी भी चीज के जब तक आपको उसकी चाह है तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर वन देवियों और सज्जनों यह सपना है सपना नहीं है तो व्यापार करना बेमतलब है सपना नहीं है तो खुद की तरक्की की कोई मजबूरी कोई कारण नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज बैठ जाइए एक कागज का टुकड़ा लेकर उस दौर में जाइए जब आपने सपने देखे थे और अपनी जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे उसे लिखिए अगर आप ये खुद का प्लेन चाहते हैं जिस पर एलोपो के डॉट्स हो ठीक है जहां तक आपको विश्वास है कि वो आपको चाहिए आप शकीरा से शादी करना चाहते हैं ठीक है अगर टीलो इंडन लड़का कर सकता है तो कोई भी कर सकता है एक बयान के साथ मैं बेसिंग बिल्डिंग ब्लॉक नंबर वन बंद करना चाहता हूं ये दुनिया के एक महान नेटवर्कर ने लिखा है बयान कहता है अगर सपना काफी बड़ा है तो वास्तविकता बेमतलब है अगर सपना काफी बड़ा है तो वास्तविकता बेमतलब है आप इसे समझ रहे हैं ना यह एक पावरफुल बयान है पावरफुल इसका मतलब है कि अगर सपना काफी बड़ा है वास्तविकता में मतलब है वास्तविकता क्या है घर बीस नामंजूरी वास्तविकता है ठीक है आपकी थकान वास्तविकता है आपके पास काफी वक्त नहीं है वास्तविकता हो सकती है आप समझ रहे हैं ना आपकी डाउनलाइन आलसी है वास्तविकता हो सकती है समझ रहे हैं ना ठीक है आपका मार्केट बोर है जो झूठ है वास्तविकता नहीं है सराबोरता कोई चीज नहीं है ठीक है तो बयान का क्या मतलब है कि अगर सपना काफी बड़ा है सारी वास्तविकताएं भी मतलब है पैंतीस नामुंजूरियों के बाद भी आप मुस्कराएंगे निराशा नहीं दिखेगी क्योंकि आपका सपना काफी बड़ा है तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर वन मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि यह भले ही मामूली और तकलीफ दे है पहले इसे आप कीजिए नीचे वालों के साथ बैठिए ऊपर वालों को साथ बिठाइए और पार कीजिए चकित करने वाले इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को जिसे सपना कहते हैं